वेलकम बैक नाज़रीन बस कर दो बस में आप सबको एक बार फिर खुशामदीद। और हमारे साथ बैठे हुए अहमद चुनाय साहब। मैं पहले फंबल कर गया था कि आपको सितारे इम्तियाज और हिलाले इम्तियाज आपको मिला, तो ये सितारे इम्तियाज आपको मुशर्रफ साहब के तौर पे मिला जी, और हिलाले इम्तियाज आपको जरदारी साहब। अच्छा, तो जरदारी साहब को कौन सा मिलेगा? हिलाले जरदारी साहब पाकिस्तान के सदर हो गए, इससे बड़ा क्या एजाज इनको। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप अपनी तरफ से अवार्ड देंगे, जैसे आपको अवार्ड मिला है, तो आप अवार्ड देंगे इन दोनों को, तो क्या देंगे? मैं मुझ ना चीज को कोई हक इनको नहीं देंगे, हिलाले इत्तेफाक अवार्ड दूं। लेकिन एक बात जरूर है कि जो मुसालिहत उन्होंने की है अपने दौर के अंदर, अच्छा मुसालिहत, हाँ, वो पाकिस्तान में किसी भी दौर में नजर नहीं आई। लोगों को साथ एक मेज पे बिठाना और काम को निकाल देना और चला देना, सही बात, ये अच्छी बात, बहुत बड़ा क्रेडिट है। मैं समझता हूँ क्रेडिट किसी किसी के पास। ये मेज थी कहाँ सर, यहाँ एक जगह बैठते थे सारे? ये प्रेसिडेंट हाउस में भी थी, बहुत सारी जगहों पर थी, बिलावल हाउस में भी थी। और मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा काम हुआ कि एक स्टेबिलिटी जो है वो हुकूमत में आई, और 5 साल हुकूमत पे पूरे के पहली दफ़ा जमहूरी पूरे की। अच्छा जिया, आप कोई ऐसी शरारत जो रह गई हो बचपन में जो आप करना चाहती हूँ, आप हाँ जो आपके जहन में आती है कि मैं करूँ साथ एक शो करना चाहती हूँ? अरे ये शरारत थोड़ी थोड़ी है, ये तो बदला लेंगे। अच्छा जिया कहते हैं आज के दौर में सिर्फ वही इंसान सर उठाकर चल सकता है जिसके पास मोबाइल ना हो, है ना सर? कराची में कह सकते हैं, कह सकते हैं, बहुत खौफ है मोबाइल छीनने का, बहुत ज्यादा। हाँ लेकिन ये दुआएं पढ़ती रहा करें। सर आपका कभी खुद का मोबाइल छीना? 3 दफा। क्या कह रहे हैं? तो उसकी रिपोर्ट किसने किसको लिखवाई आपने? कहीं भी नहीं, थाने में रिपोर्ट। भाभी को लिखवाई? वो वापस आखिरी दफा तो वापस मिल गया था, फिर जब उस वक्त मैं खुद CPLC का चीफ था। अच्छा, अच्छा, और हूँ, और बहरहाल उस पर काम किया हमने, इन्वेस्टिगेट किया, और वो जो चोरी करने वाला था उससे जो है वो जो छीनने वाला था उससे मोबाइल जो है वो वापस। सर ये तो मालूम करना पड़ेगा, अभी हमारा लास्ट टाइम हमारा भी छीना तो हमने भी CPLC रिपोर्ट कराई थी, हमने कराई थी, तो अब पता नहीं अल्लाह जाने, तो आ जाते हैं आपके पास, आ जाते हैं वापस। हाँ, वो इस तरह होता है कि दो जानने वालों के तो मिले हैं मेरे, नहीं नहीं, कई कई 45,000 फोन हमने वापस किए हैं लोगों को, और ये बहुत बड़ी तादाद है। तो सर अभी आए ना, हमें भी एक दो दे दीजिएगा फोन, डेटा जमा करना और डेटा की हिफाजत करना, और फिर जब वो सेल फोन वापस आए, चाहे वो कानून नाफिज करने वाले इदारे लेके वापस करें, या फिर मार्केट एसोसिएशन का एक बहुत बड़ा किरदार है। 90% फोन सदर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट एसोसिएशन ने हमें वापस किए जो वहाँ बिकने आते हैं, और वो जो हमारे डेटा बेस से चेक करते हैं कि ये चोरी का फोन था और आपका था, लेट्स से तो वो फोन को जो है इम्पाउंड कर लेते हैं और हमें भिजवा देते हैं। हम अपने डेटाबेस से चेक करके आपको कॉल करते हैं और आपको बाइज़त तरीके से आपका सेल फोन वापस। अच्छा सर, ये पुराने जमाने में जो जो आप अब काम कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के साथ, पुराने जमाने में होता था उसको खोजी कहते थे, ये वही काम है ना? देखिए वो तो खोजी वाला काम था और वो मैनुअल काम, वो पैरों के निशान देखता था कि यहाँ यहाँ से कोई, ये काम जो है ये मैनुअल नहीं है, ये डिजिटलाइज हो गया। हाँ तो ये वही है, तो वही चीज ना, उसी का सिर है ना, टेक्नोलॉजी आ गई है उसमें, टेक्नोलॉजी में ज्यादा आसानी। तो सबसे पहले आपने किस चीज की खोज लगाई थी, आपको कैसे पता था कि मैं इस मकाम पे पहुंच जाऊंगा? खोज, हाँ, सबसे पहले कौन सी चीज आप बचपन में या वैसे कि आपने खोज लगाई हो कि यार ये चीज खो गई, तो केस पकड़ा, आप घर में ढूंढ के ले आए हो, घर वाले परेशान, ये कहां से ले आया भाई ये टैलेंट? आप ये टैलेंट कैसे पता चला? तरक्की करने की कोशिश की और उसका खोज लगाया। अच्छा चलें ठीक है, हमारा अगला सेगमेंट जो उसका नाम है बस कर दो डिक्शनरी। पहले आपको एक लफ्ज सुनवाते हैं दोनों को, उसके मायने फिर आपसे पूछते हैं कि इसके असल मायने हैं क्या। बस कर दो डिक्शनरी में आज का लफ्ज है डायरेक्टर। जो सबके साथ डायरेक्ट टर्टर करे वो है डायरेक्टर, या जो हीरो हीरोइन का गुस्सा क्रू पर निकाले वो है डायरेक्टर। जो भी हो, चाहे फिल्म हो, चैनल हो, या कोई भी अदारा, कुछ नहीं चल सकता बगैर डायरेक्टर। आखिर डायरेक्टर है कौन? है कौन? पहले जिया बताएंगे कि ये डायरेक्टर है कौन? डायरेक्टर, हाँ, जो डायरेक्ट हो जाता है, और इसका किरदार क्या है? हाँ। उस पे तो फिर मैं आपको ये रोल दे देती हूँ, बिकॉज़ आप काफी डायरेक्ट हो जाते हैं। मैं तो अब जरा एहतियात करूंगा, मैं आज करनी पड़ेगी आपको, मैं कर दूंगा मैं एहतियात। लेकिन बताए ना डायरेक्टर असल में है क्या? डायरेक्टर का काम, मीनिंग ऑफ डायरेक्टर, किसी भी प्रोडक्ट को, प्रोडक्शन को प्रॉबली कहते हैं कि डायरेक्टर कैप्टन ऑफ द शिप होता है। वो किसी भी अदारे की हो, उसके हाथ में बहुत सारे जैसे कहते हैं फैसले होते हैं करने को, एंड ही इज़ ऑल इन ऑल।
सो और शी इज ऑल इन कभी ऐसा हो किसी डायरेक्टर को रोक के आपने खुद डायरेक्शन शुरू कर दिया हमारे आर्टिस्टों में बहुत होता है नहीं आई डायरेक्टर की मान लेती है अभी कह रहे थे कि मैं काम इसीलिए कम करती हूं कि मुझे डायरेक्टर जब बेहतर मिलता है तभी काम कर रहे अच्छी बात बिकॉज़ हमारा काम है एज एन एक्टर अच्छा डायरेक्टर्स की फेवरेट वो भी होती है ना कि हीरोइन को ये इसी को लेना है तो फिर वो कहता है अरे यार वो लोग देख के बता दें ये डायरेक्टर है इस प्रोजेक्ट का अच्छा तो हीरोइन ही होगी ये हीरोइन को देख के बोलता है डायरेक्टर ही होगा देखो नाम तो फेवरेट फेवरिज्म तो ऑल ओवर द वर्ल्ड और हर इदारे में चलता है हर इदारे में चलता है सर आपके डायरेक्टर का क्या किरदार है CPLC. भाई मैं कहता हूँ कि डायरेक्टर को तो सिर्फ आप लोग लेते हैं फिल्म टीवी और रेडियो के सेंस में लेते हैं लेकिन हम सब तो सारे इंसान जो है ना वो खुद डायरेक्टर हैं अच्छा? अपने डायरेक्टर हैं अपने डायरेक्टर तो ये हम अपने डायरेक्टर करते हैं जाहिर है हम जिंदगी बसर करने के लिए अपने आप को डायरेक्ट करते हैं डायरेक्शन और वही हर इंसान जो है वो अपना डायरेक्टर खुद है और चाहे वो काम में जा रहा होता है तो भी डायरेक्टर होता है वो अलग बात है कि वो अपने आप को डायरेक्शन इस तरह देता है कि ऊपर वाला जो डायरेक्शन देगा उस पर मैं कैसे अपनी डायरेक्शन शेक्सपियर ने कहा था कि हम लोग सब आर्टिस्ट हैं और ये दुनिया की स्टेज है वो क्या था हम तो सब डायरेक्टर हैं शेक्सपियर ने तो आर्टिस्ट का जब आप खुद डायरेक्टर होते हैं तो दूसरे जो हैं वो स्टेज होते हैं अच्छा अच्छा वो मैंने गलत पढ़ा सर आज अभी मेरा ख्याल है कि आप डायरेक्टर बैठे हुए हैं कि आप पूरे प्रोग्राम सर हमारे ऊपर तो ये डायरेक्ट कर रहे हैं वो हमें डायरेक्ट वो आपके ऊपर डायरेक्टर हां चलें ठीक है अगला वर्ड सुनते हैं कि वो क्या है फिर उसके बारे में पूछते हैं बस कर दो डिक्शनरी में आज का दूसरा लफ्ज है जुर्म मुआशरे में जुर्म कई किस्म के पाए जाते हैं अक्सर बेकसूरों के सर भी लगाए जाते हैं जुर्म कई नामों के साथ भी जोड़ दिए जाते हैं जुर्म जैसे इकबाल जुर्म इकरार जुर्म प्यार करना जुर्म सच बोलना जुर्म आखिर ये जुर्म है क्या सर ये जुर्म है क्या और ये इकबाल और इकरार का कसूर क्या जो उनके आगे जुर्म लग गया हाँ जुर्म जो है वो मैं समझता हूँ हर आदमी उस जुर्म का शिकार भी है और हर आदमी जो है वो जुर्म करता भी है हम जुर्म करना सिर्फ ये नहीं कहते कि जी चोरी कर ली हमने या डकैती डाल दी या अगवा कर लिया या बता ले लिया या छिना चिपटी कर ली हम सब लोग तो जुर्म कर रहे हैं किसी ना किसी सूरत में और इसके बाद भी सर्वाइव कर रहे हैं तो किसी का जुर्म जो है वो ज़ाहिरी में नज़र आ जाता है किसी का जुर्म जो है नज़र नहीं आता और जो ज़ाहिर में नज़र आता है वो पकड़ा जाता है जो नज़र नहीं आता वो सर्वाइव कर जाता है लेकिन जुर्म जो है वो हर शख्स कर रहा होता है किसी न किसी सूरत किसी का पकड़ में आता है किसी का पकड़ में नहीं आता फितरत में जुर्म है क्या जिया कभी आपने कोशिश की जुर्म करने की या किसी को जुर्म करते हुए देखा हो और आपने कहा देखो मैं किसी को नहीं बताऊंगी ऐसे कोई और बता ऐसा कोई क्या जिया जी प्लीज मत बताइएगा ठीक है चलो ठीक है देखिए जुर्म वो है जिसको आप गलत समझते हैं अच्छा। और आपके लिए वो गलत है करने वाला इसीलिए कर रहा है कि उसके लिए सही उसके है लिए सही है सो आपने उसको जुर्म का नाम दे दिया है जो कर रहा है या उसको एंजॉय कर रहा है या उससे कई फायदे उठा रहा है उसके लिए तो वो जुर्म अच्छा जी अगर आपकी अदालत हो तो आप इन लोगों पर कौन सा जुर्म फर्द आयद करेंगी जो भी है बरकत के ऊपर क्या जुर्म लगेगा बताएं तो अच्छा जुर्म बताइएगा प्लीज हां मैं अकेला ना उसमें कोई साथ भी रखिएगा जुर्म में ज्यादा गुड लुकिंग है और उसको ये बात पता है ओए वाह ये ज्यादा गुड लुकिंग है और उसको ये बात पता है पता है ओए होए भरगत साहब लव यू चलें जी वो वैसे ही शो करना चाह रही है यानी मैं नहीं हूं शो में नहीं आप हो आप कट बोल के जाओगे सर आप जो बरकत पे क्या जुर्म लगाएंगे क्या जुर्म लगाएंगे सर अपने साथ लगाएंगे मुझे काम में नहीं नहीं आप पे हम ये जुर्म लगाएंगे कि आप जो है वो लोगों का मजाक उड़ाते हैं भाई अच्छा जी अली मतीरा पे क्या जुर्म लगाएंगे मजाक है शी इज अ वंडरफुल शी इज एन अमेजिंग लेडी बट आई गेट कंफर्टेबल मैं समझती हूं कि एज अ मॉडल कुछ इज आल्सो क्वाइट अनोइंग सम टाइम I like her personally, मेरी अपनी राय है अगर उसको नहीं पसंद आया तो I'm so sorry, but television पे I think बहुत revealing कपड़े हो जाते हैं कभी कभी so that's quite embarrassing for all of us because बाकी सही है television बाकी she's an amazing human being अच्छा रीमा जी पे Come on, आप कहाँ निकल चले मीरा जी पे यार वो बहुत मासूम है अपनी मासूमियत में वो अपना मजाक उड़वा अपने काम के वक्त मासूमियत नहीं दिखाती अपने काम के लिए मासूम मासूमियत का जुर्म लगेगा उनके पास जुर्म है लेकिन इसी एंजॉयमेंट को आगे बढ़ाते हैं जी एक बड़े अच्छे सिंगर मौजूद है और आज हमारे शो में हमेशा न्यू टैलेंट आता है लेकिन हमारे शो में आज उस्ताद आए हमारे उस्तादों के उस्ताद हैं गजल गायकी में इनका बहुत बड़ा नाम है बहुत मकसद है कि सीनियर सिंगर
यहाँ पर मकसद है, मैं इनसे ज्यादा मुलाकात नहीं हुई है लेकिन आज मैं मुलाकात करूंगा। अकबर तैमूरी साहब यहाँ पर मौजूद है, कैसे भाई जान? पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे शो में तशरीफ लेकर आए। थैंक यू अकबर भाई, हमें इस काबिल समझा। आपकी भी मोहब्बत है ये। हाँ अकबर भाई, प्यार है। कुछ ऐसा कुछ ऐसा सुनाइए गाना कि बस हमारी जो तबीयत है ना खराब हो जाए, तबीयत खुश हो जाए। खराब करने के लिए तो रोमांटिक संगीत आपको। अरे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये शाम मस्तानी मदहोश की ये जा मुझे डो कोई खींचे तेरी ओ लिए जा। ये शाम मस्तानी मदहोश की ये जा मुझे डो सर क्या याद आया आपको ये गाना सुन के, जरा सच्ची सच्ची बताइएगा। बहुत पुराना जमाना याद आ गया है, मतलब क्या 1939 का? सर इतने पुराना भी नहीं। अच्छा, लेकिन ये कि बचपन में ये सुना करते थे ये गाने, हर गाने से और उसको जो है वो, हाँ जाहिर है उसको उस वक्त जो है वो बहुत अच्छा लगता था और आज भी अच्छा लग रहा है। उस वक्त सब अच्छा लगता था। हाँ। सब अच्छे होते थे, जिंदगी बड़ी हसीन लगती थी। हसीन लगती थी। जिया जी क्या ये गाना सुन के क्या याद आया? एक तो गायन उन्होंने बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छा। बड़ा ठहराव के साथ, बड़ी वेरिएशन के साथ। के एक गाए हुए गाने को और इतने बड़े सिंगर के गाने को आपने इतनी खूबसूरती से निभाया है, अमेजिंग। गाना इतना बड़ा हिट है, एवरग्रीन गाना है, जब सुनते हैं उसी पुराने दौर में चले जाते हैं, जब उस वक्त सुन के एक अजीब सी मस्ती थी और एक अजीब सा मजा था। आई एंजॉय ऑल ग्रीन एवरग्रीन सॉन्ग्स ऑल द टाइम। चले जी ठीक है, आप भी थोड़ी देर पुराने दौर में जाने की कोशिश कीजिए अकबर तैमूरी साहब के इस गाने के साथ। हम थोड़ी देर में वापस आते हैं, कहीं मत जाएगा, बस कर दो बस में एक और ब्रेक लेते हैं।